कांकेर। कई समस्याओं से जूझ रहे एमजी वार्ड के मोहल्लेवासी और पार्षद आज समस्याओं को लेकर नगर पालिका पहुंचे, जहां उन्होंने पालिका पर उपेक्षा का आरोप लगाया। वहीं वार्ड की भाजपा पार्षद मीरा सलाम ने कहा कि इससे पहले भी वार्ड की महिलाएं पानी सहित अन्य समस्याओं को लेकर पालिका पहुंची थी और पालिका अध्यक्ष से मुलाकात कर वार्ड में सुविधाएं प्रदान करने की मांग रखी थी, जिसके बाद पालिका अध्यक्ष ने वार्ड में कांग्रेस पार्टी को वोट कम मिलने की बात कहते हुए सुविधाएं कम देने की बात कह डाली थी, जिससे वार्ड वासियों में भारी आक्रोश है। पार्षद मीरा सलाम ने कहा कि बाढ़ की समस्या को लेकर लिखित ज्ञापन और मौखिक रूप से अवगत करवाया गया था, जिसके बावजूद अब तक बाढ़ में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया, जिस पर हमेशा आवाज बुलंद की जाती रही है। काफी दिनों से बाढ़ में पानी की समस्या गहरा गई है, जिससे बाढ़वासी काफी परेशान है। इसी समस्या को लेकर मोहल्लेवासी और पार्षद पालिका कार्यालय पर पहुंचे। यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जैसे कि इल्जाम है कि वोट कम देने पर सुविधाएं भी कम दी जाएंगी, इससे क्या प्रतीत होता है कि अंधेर नगरी चौपट राज की शुरुआत हो चुकी है? कि यहां पर एमजी वार्ड के लोग आए हुए हैं, सब किस समस्या को लेकर आए हुए हैं और क्या मामला है? एमजी वार्ड के लोग सारे इकट्ठा हुए, समस्या ये है कि पानी का जो समस्या है काफी दिनों से चला आ रहा है, इसको लेके पार्षद मैडम विगत 2015 से एप्लीकेशन दी हुई है, तो कुछ बोर खनन भी हुआ है और बोर खनन होने के बाद मशीन जो लगी है वो ज़्यादा 10 से 15 दिन चले, उसके बाद से खराब पड़ा है। कई दिन हो गए उसकी शिकायत लेके पहुंचे मैडम, और मोहल्लेवासी भी आए थे कि भाई इसको लेके कंप्लीट कराया जाए, ठीक कराया जाए करके। तो अध्यक्ष महोदय का कहना ये है कि इस वार्ड से हमको कांग्रेस को वोट नहीं मिल पाता, इस वजह से हम यहाँ का ध्यान नहीं देते। आप लोग अगर हमको कांग्रेस को जिताएंगे इस वार्ड से, तब आपके वार्ड का ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा। केवल इसी कारण यही कारण है कि उपेक्षा का शिकार हो रहा है कि वहाँ से कांग्रेस को वोट कम मिलता है? इससे तो साफ जाहिर होता है ना, ऐसा कहने से कि भाई हमको वोट नहीं मिलता इस वजह से हम आपका काम नहीं करेंगे, टोटल इससे ये पता चलता है कि हमारे साथ छलावा हो रहा है। कब कहा अध्यक्ष महोदय ने ऐसा, कोई समस्या लेके आए थे? हमारे वार्ड की कुछ महिलाएं आई थी जी कुछ दिनों पहले, तब अध्यक्ष महोदय का ये कहना था। यदि समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे क्या कदम होगा? उग्र आंदोलन होगा सर, नगर पालिका का घेराव, और इसके बाद कलेक्टर मैडम से कलेक्टर सर से मुलाकात होगी, और नहीं बात बनेगी फिर अपन सीएम साहब के पास जाएंगे। मैडम बताएंगे, आज पूरे मोहल्लेवासी की सौदा पाँच आई हुई है, साथ ही आपने कहा कि जो अध्यक्ष हैं वो वार्ड की उपेक्षा कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा बताएंगे जी। मेरा नाम मीरा सलाम है, एमजी वार्ड की पार्षद हूँ, और लगभग जब से पार्षद बनी हूँ 2015 से मेरे पास आवेदन की हूँ, उसका पावती रखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। उसमें पानी का समस्या लगातार 3-4 वर्षों से होते आ रहा है, और 2 वर्षों से तो मैं लगातार भिड़ी हुई हूँ कि वहाँ पानी का समस्या है, मोटर लगा दीजिए या फिर पाइपलाइन के लिए आवेदन दी हूँ, लेकिन वहाँ पे ना अध्यक्ष साथ दे रहे हैं हमारा और ना ही सीएमओ सर ध्यान दे रहे हैं। और मैं एक ट्राइबल पार्षद हूँ और मेरा वार्ड भी ट्राइबल है, क्या इस वजह से उन लोग साथ नहीं दे रहे हैं? महिला हूँ इस वजह से साथ नहीं दे रहे हैं? मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ कि मेरे वार्ड में इतना सारा समस्या है, मैं बहुत सारा आवेदन की हूँ, नाली का समस्या को लेकर की हूँ, और सांस्कृतिक भवन को लेकर आवेदन की हूँ, पानी के लिए मोटर का, हैंडपम्प का, पाइपलाइन का, सभी का मांग की हूँ, लेकिन कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई भी काम अभी तक नहीं। मैडम ये भी बताया जा रहा है कि आपका कहना है कि कहा जाता है कि वो आपके पार्ट वार्ड से वोट कम मिले हैं, ऐसा कोई सुनने में आ रहा है, ऐसा कोई बिल्कुल क्या? हाँ, अध्यक्ष जी का कहना ये है कि एमजी वार्ड से कांग्रेस को वोट कम मिलता है जी, इस वजह से शायद पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वार्ड की महिलाएं अभी कुछ दिन पहले नहीं, क्या उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मतलब वोट कम नहीं मिलने के कारण हम ऐसा कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि वार्डवासी आए थे उनके सामने कहा गया है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने वार्डवासी मुझे यही बताए हैं कि उनका कहना ये है कि मुझे वहाँ पे वोट कम मिलता है, कांग्रेस को कम वोट मिलता है, इस वजह से ध्यान नहीं दे रहे हैं जी। अच्छा मैडम, आपका आरोप है कि टेंडर में भी जब होता है तो वार्डों को कम राशि दी जाती है, ऐसा क्यों जी? मेरे पास सबूत भी है कि जब जब टेंडर हुआ है एमजी वार्ड को सबसे कम राशि मिला गया है जी, मेरे पास सबूत है। और यहाँ सामने में तालाब है जी, उसके लिए भी मैं आवेदन यहाँ पे भी की हूँ रायपुर में,
और उसका लेटर रायपुर से आ गया है और यहाँ पे प्रारूप मंगा जाता है, वो नहीं भेजे यहाँ पे सूची जी। आज आप शिकायत दे गए हैं मैडम, इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे क्या कदम होगा? हाँ, तो बिल्कुल घेराव करेंगे नगर पालिका को, जहाँ तक पहुँच सको, चाहे कलेक्टर पास हो और चाहे थाना हो, जाना पड़े मैं जाऊंगी जी। मैडम देखा गया कि भाजपा पार्षदों की संख्या नगर पालिका में ज्यादा है, फिर भी उनकी सुनवाई नहीं होती, क्या कारण है? सुनवाई तो नहीं हो रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं, सभी पार्षद प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष है और सीमो भी ध्यान दे रहे हैं जी। क्या भाजपा पार्षद भी एकजुट नहीं है क्या? नहीं, एकजुटता है भाजपा की पार्षद में, एकजुटता है, पर क्या है यहाँ, हम तो भाजपा के पार्षद अधिक हैं, उपाध्यक्ष भी हमारी है, परंतु यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष है और वो हमारा साथ दे रहे हैं।